लख तेरा पतला जिहा पतला जिहा जद तोर दी सतारा वल खावे मोर निजी तोर कुड़िए तोर कुड़िए हुण मुंडिया नु होश कित्थो आवे निनगणी दी अख वाली है निनगणी दी अख वाली है निनगणी दी अख वाली है सब किल ते तू गबरु कवारे हो तारू बदनाम कर दी नाम कर दी ए ताने तरिया दे कार दारू बदनाम कर दी नाम कर दी ए ताने तरिया दे कार ठेकिया तेरा भुल गए रा भुल गए जदू तक ले शराबी नैन तेरे नैना चो डुल पहले तोड़ दी पहले तोड़ दी गल वस च रही ना हुण मेर ओ बिना डट खोल कुड़िए ओ बिना डट खोल कुड़िए ओ बिना डट खोल कुड़िए तेनु पीन फिरनी ते सारे ओ दारू बदनाम कर दी नाम कर दी ए दाने दरिया दे कारे दारू बदनाम कर दी हे दाने दरिया दे कारे कॉस्टिक पार्टी मेरा नाम है सैंडी गाइस मेरे बहुत सारे पंजाबी फ्रेंड्स ने सब्सक्राइबर्स ने इवन मेरे पंजाबी स्टूडेंट्स ने मुझे एक गाने की रिक्वेस्ट की सॉन्ग इज ऑब्वियसली पंजाबी सॉन्ग सॉन्ग नेम इज दारू बदनाम कर दी अ वेरी फेमस सॉन्ग और दूसरी बात यह है कि इसमें गिटार अलग से सुनाई देगा आपको जब आप इसको पहली बार सुनते हो गाने को तो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको इसमें गिटार की छनकार अलग से सुनाई देती तो चलिए सीखते हैं इस गाने को ओनली ऑन कॉस्टिक पार्टी कमिंग अप नेक्स्ट दोस्तों सर्च कीजिए मेरा चैनल कॉस्टिक पहाड़ी उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्लिक करते इस बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा जब ये बेल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको तब आपको मेरी वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे सो गाइस लेट मी टेल यू द कॉर्ड्स वेरी फास्ट जितने भी कॉर्ड्स इसमें यूज किए गए सारे मैक्सिमम बार कॉर्ड्स हैं ताकि आपका अच्छा इफेक्ट आए ठीक है सबसे पहला कॉर्ड यू नीड टू नो इज आपका एफ शार्प कॉर्ड ये आपका एफ शार्प कॉर्ड है यू कैन सी द डायग्राम एज वेल ऑफ एफ शार्प उसके बाद सेकंड कॉर्ड यू नीड टू नो इज आपका जी शार्प माइनर कॉर्ड दिस इज जी शार्प माइनर देन द थर्ड कॉर्ड इज आपका डी शार्प माइनर दिस इज डी शार्प माइनर कॉर्ड एंड द लास्ट कॉर्ड यू नीड टू नो इज ई कॉर्ड इन बार पोजीशन जो कि ये है ठीक है आप डायग्राम में देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है और अगर आप चाहो तो इसको ओपन भी प्ले कर सकते हो आपका ई कॉर्ड ओपन पोजिशन में यहां बचता है And you can see the diagram as well. ठीक है दोस्तों ये सारे आपके थे बार कॉर्ड्स ओके दोस्तों अब हम देखेंगे इसके कैपो कॉर्ड्स आपका कैपो लगेगा फोर्थ फ्रेट पे बिकॉज इसके सारे जो बेस्ट फिट है वो आपके फोर्थ फ्रेट पे होंगे ठीक है तो उसके हिसाब से जो आपका एफ शार्प माइनर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी कॉर्ड में ठीक है तो कैपो के हिसाब से आपका पहला कॉर्ड वुड बी डी कॉर्ड ठीक है यू कैन सी द डायग्राम एज वेल उसके बाद उसमें सेकंड कॉर्ड था आपका जी माइनर जो कि यहाँ पे कन्वर्ट बनके हो जाएगा आपका ई माइनर कैपो के हिसाब से ठीक है यू कैन सी द डायग्राम ई माइनर उसके बाद उसमें थर्ड कॉर्ड आपका था डी शार्प माइनर जो यहां पर बन जाएगा बी माइनर राइट ऑन फोर्थ फ्रेट एंड द लास्ट कॉर्ड वहां पे था आपका ई कॉर्ड जो यहां पे बन जाएगा आपका सी कॉर्ड ठीक है दोस्तों तो ये थे आपके सारे कैपो कॉर्ड्स ओके दोस्तों चलते इसके स्ट्रमिंग पैटर्न पे स्ट्रमिंग पैटर्न इसका बहुत सिंपल है इट्स लाइक दिस डाउन अप चक डाउन अप चक ठीक है आप इसको थोड़ा स्लो स्पीड में देखो डाउन अप चक डाउन अप डाउन अप चक ठीक है एक बार और स्लो स्पीड में और आप डायग्राम के हिसाब से भी देख सकते हैं कि मैं कहां पे चक कर रहा हूं कहां पे डाउन कर रहा हूं ठीक है देखो डाउन अप चक डाउन अप डाउन अप चक ये बात याद रखना कि ये दो पार्ट में आप इसको दो पार्ट में याद करने की कोशिश करना आपको पहली पार्ट की प्रैक्टिस पहले करनी है बाद की प्रैक्टिस बाद में करनी है जो दूसरा पार्ट है ठीक है तो पहला पार्ट आपको जो रहेगा वो इतना ही रहेगा डाउन अप चक डाउन बस ये आपका पहला पार्ट है सेकंड जो पार्ट आपका वो है वो ये है अप डाउन अप चक ठीक है अप डाउन अप चक तो इसको अलग अलग करो पहले पार्ट की अलग करो दूसरे पार्ट की अलग करो ठीक है तो दोनों पार्ट को जब आप मिलाओगे तो इस तरीके से आएगा डाउन अप चक डाउन अप डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप डाउन अप चक ठीक है तो थोड़ा इसको आप स्पीड में लोगे तो इस तरीके से आएगा ओके अब जब आपने इतना कर दिया तो आप इसमें देख रहे होंगे जब इसमें मैं कॉर्ड शिफ्ट करूंगा तो आपको लगेगा बीच में कुछ खाली खाली सा देखो गौर से सुनना लग रहा है खाली खाली सा
वहाँ पे आपको फिलर की जरूरत है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्ट्रमिंग हमारी होती है, स्ट्रमिंग को स्ट्रमिंग से जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको हम फिलर बोलते हैं। तो उसमें आपको एक डाउन अप करना है ऐसे, ठीक है, वो डाउन अप इतना स्मूथ होना चाहिए। एक्चुअली ये स्ट्रमिंग जो है ना वो आपको थोड़ा सा मतलब अपने इंटरेस्ट से भी निकालनी पड़ेगी थोड़ा सा, बिकॉज जो डाउन अप है ना, डाउन अप जो स्ट्रमिंग इसमें बीच में आएगी वो छुपी हुई स्ट्रमिंग है, वो फिलर छुपा हुआ है, उसका जस्ट एक फील लेना है हल्का सा, ठीक है, वो एक्चुअली में सुनाई नहीं देगा, बहुत कम फील आएगा उसका। देखो इस तरीके से मैं बजा के देखता हूं, अगर आपके कान तंदुरुस्त हैं तो आपको सुनाई देगी। ठीक है, देखो जो मैंने ये किया ना डाउन अप, हल्का सा उसका फील लेना है बस केवल, ताकि वो आपका स्ट्रमिंग भरा भरा सा लगे, खाली ना लगे। अब करना कैसे, देखो मैंने आपको स्ट्रमिंग बताई थी, क्या बताई थी, डाउन अप चक, डाउन अप, डाउन अप चक। यहां पे रुकने के बाद जब आप कॉर्ड शिफ्ट करोगे उसी शिफ्टिंग में आपका ये हल्का सा आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे ऐसा है, डाउन अप चक, डाउन अप, डाउन अप चक। ये देखो, देख रहे हो फत की जो बीच में आवाज आ रही है ना, दैट इज एक्चुअली अ फिलर। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रमिंग थोड़ा और अच्छा सा दिखता है, निखरा हुआ दिखता है। अगर आपको फिलर में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, बाय द वे अगर नहीं आ रहा समझ में, तो आप उसको स्किप कर दो, गाना फिर भी आपका अच्छा बजेगा। देखो इस तरीके से विदाउट फिलर, सिंपल, विद फिलर, ठीक है दोस्तों, ये आपका था पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न। ओके ना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रमिंग कहाँ कहाँ पे टूटती है गाने के हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको स्ट्रमिंग करने जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल आप स्ट्रमिंग से स्टार्ट करो, ठीक है, चाहे फिलर यूज करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब ये खत्म होने के बाद अब आपका गाना यहां से स्टार्ट होगा, लक तेरा पतला जिहा, पतला जिहा, राइट, लक तेरा पतला जिहा, पतला जिहा, जत तोर दी सतारा वल खावे, और निज तोर कुड़िये, तोर कुड़िये, हुण मुंडिया न होश कितो आवे। एक स्ट्रमिंग आपका पूरा कंप्लीट बज रहा है इसमें, ओ लक तेरा पतला जिहा, पतला जिहा, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपका चेंज हो जाएगा और स्ट्रमिंग का साइकिल कंटिन्यू पूरा बजेगा, जत तोर दी सतारा वल खावे, सिंपल है, डाउन अप चक, डाउन अप, डाउन अप चक। उसके बाद मोर निज तोर कुड़िये, तोर कुड़िये, खत्म, साइकिल खत्म, हुण मुंडिया न होश कितो आवे, नगणी दी अख वाली है, ये खत्म, एक साइकिल यहां पे खत्म, ओ नगणी दी अख वाली है, डाउन अप चक, डाउन अप, डाउन अप चक, ठीक है, ओ नगणी दी अख वाली है, ओ नगणी दी, अब ई में भी एक साइकिल, ओ नगणी दी अख वाली है, ओ नगणी दी अख वाली है। ओके, अब आपका एफ शार्प में भी स्ट्रमिंग उसी तरीके से रहेगा, ओ नगणी दी अख वाली है, सब किलते तू गबरू, ठीक है, यहाँ पे आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, डाउन अप चक, डाउन अप, डाउन अप चक, ठीक है, ओ नगणी दी अख वाली है, सब किलते तू गबरू, कवारे हो, अब आपका कवारे में थोड़ा ध्यान रखना, स्ट्रमिंग टूटता है, कवारे हो, डाउन अप चक, डाउन, ऐसे आएगा, ठीक है, डाउन अप चक यहां पे आएगा और जो लास्ट डाउन है वो यहां पे जाएगा ऐसे, ठीक है, आपका स्ट्रमिंग का जो पहला पार्ट था ना, डाउन अप चक, डाउन, उसको तोड़ना है, यहां पे आपका आएगा डाउन अप चक और यहां पे आएगा डाउन जी माइनर में आपका, ठीक है, तो स्ट्रमिंग टूट गई, कवारे हो, डाउन अप चक, डाउन, डाउन अप चक, डाउन, कवारे हो। एक बार शुरू से देखो, थोड़ा मैं आपको बताता हूं, पतला जिहा, एक साइकिल, जद तोर दी सतारा वल खावे, दूसरी साइकिल, फिर नेक्स्ट साइकिल, मोर निज तोर कुड़िये, तोर कुड़िये, हुण मुंडिया न होश कितो आवे, नी नगणी दी अख वाली है, एक साइकिल, नगणी दी अख वाली है, एक साइकिल, ओ नगणी दी अख वाली है, सब किलते तू गबरू, यहां पे पूरा एक साइकिल हो गया, ओ नगणी दी अख वाली है, सब किलते तू गबरू, अब कवारे, कवारे हो, ठीक है, ये आपका टूट गया। अब आपका नॉर्मल, दारू बदनाम करती, नाम करती, ए ताने नतरिया ते कारे, दारू बदनाम करती, नाम करती, एक एक साइकिल, ठीक है,
तो ये बहुत सिंपल था, आपको बस थोड़ा सा इसको समझना था। तो दोस्तों स्ट्रमिंग जो आपका कैपो के कॉर्ड्स है उसमें भी सेम वैसी टूटेगा, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, सेम वैसे टूटेगा क्योंकि आपको कॉर्ड्स केवल मैंने आपको बता दी कॉर्ड्स कैपो क्या रहेंगे, कॉर्ड्स वही रहेंगे और स्ट्रमिंग तोड़ने का फैशन वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पतला जिहा जद तोर दी सतारा वल खावे मोरनी जी तोर कुड़िए मुण मुण अनहुश की तो आवे नी नगड़ी दी अख वाली है नी नगड़ी दी अख वाली है नी नगड़ी दी अख वाली है सब किलते तो कबूरु कवारे हो। ठीक है दोस्तों ये इस तरीके से रहेगा। लख तेरा पतला जिहा जद तोर दी सतारा वल खावे मोरनी जी तोर कुड़िए हुण मुण अनहोश की थवा नी नगणी दी अख वाली है नी नगणी दी अख वाली है नी नगणी दी अख वाली है सब किलते तू गबरू कवारे हो। दारू बदनाम कर दी नाम कर दी ए ताने त्रिया ते कार दारू बदनाम कर दी नाम कर दी शराबी नैन तेरे ने नच डुल पैल तोड़ दी गल वस च रही ना हुण मेर ओ बिना डट खोल कुड़िए ओ बिना डट खोल कुड़िए सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई गेस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को या कोई सजेशन हो आपका मेरे लिए तो प्लीज लिखना ना भूलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अभी नई जगह ढूंढ ली है, तो जो मेरे गिटार लेसन है पुराने वाले तो वो काफी पेंडिंग हो गए हैं, तो मुझे काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की सर प्लीज आप उनको आगे बढ़ाइए। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने जो गिटार लेसन है उनको जरूर आगे बढ़ाऊँ, उनकी सीरीज को पूरी खत्म करूँ जितना कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, राइट। इंस्टाग्राम पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माई इंस्टाग्राम आईडी इज acoustic_party। अभी मैंने दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करना स्टार्ट किया है, अगर आपने मुझे बहुत पहले रिप्लाई किया तो प्लीज आप नाराज ना होइएगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं काफी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, 2 महीने से मैं एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने अभी नया सेटअप किया है, तो मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दिया है सेटल डाउन होने के लिए। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब जो इंस्टाग्राम पे आपने मुझसे पूछा है आई प्रॉमिस यू कि मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, राइट। मेरे फेसबुक पेज एकॉस्टिक पार्टी को सर्च जरूर कीजिए और उसे लाइक करना ना भूलिएगा। विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।